राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं धन्यवाद मेरा बल बनने के लिए मेरे प्रिय बलराम दाऊ, और कहते हैं आगे धन्यवाद मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए रुक्मणी। और श्री कृष्ण अत्यंत पीड़ा में होते हैं, और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुक्मणी द्वारकाधीश के सिंहासन के समक्ष जाती हैं और प्रणाम करती हैं और कहती हैं मेरे जीवन की यात्रा और लक्ष्य दोनों आप ही हैं श्री कृष्ण, और कहती हैं मेरा ये अंतिम श्वास भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं कुछ ऐसे श्री कृष्ण के प्रत्येक अध्याय अंत हुआ है, तो अब मेरे देह त्यागने का और तुम्हारे आने का समय आ गया है कलयुग। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं महादेव श्री कृष्ण ने अभी तक अपना देह त्यागा नहीं, और अभी से ही कलयुग के आगमन की गर्जना इतनी भयावह हो रही है, तो जब वास्तव में कलयुग आएगा तो उसके पश्चात क्या होगा। और फिर महादेव कहते हैं कलयुग के आगमन के साथ ही पृथ्वी लोक का सबसे भयावह समय आरंभ होगा, क्योंकि इस कलयुग के आगमन का अर्थ लय है। अब बलराम दाऊ देख रहे होते हैं कि संपूर्ण द्वारिका जलमग्न हो रही है, और फिर दाऊ हाथ जोड़कर खुद भी द्वारिका के साथ जलमग्न हो जाते हैं, और श्री कृष्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही होती है। और फिर श्री कृष्ण स्मरण करते हैं गोलोक की बात को, बालिका कहती है आप सबने राधे राधे कहा और मैं कीट योनि से मुक्त हुई, और अब मैं आकाश में उड़ सकती थी मुझे लक्ष्य मान कर, और कहती है आगे आप लोगों ने फिर से राधे राधे कहा और मैं मनुष्य बन गई, अब तो बोलो ना राधे राधे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम के ये दो अक्षर जो गोलोक में कहे गए, और ये लीला आरंभ हुई है, और आज मैं वही प्रेम के दो अक्षर पुनः पृथ्वी लोक पर दोहराऊंगा। और श्री कृष्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही होती है, और फिर श्री कृष्ण पीड़ा में प्रसन्न होकर कहते हैं राधे राधे। और फिर तभी महादेव बताते हैं सभी को पृथ्वी लोक पर मेरे आराध्य की लीला समाप्त हुई, वो लोग पधारने ही वाले हैं। और फिर तभी राधा कहती है अर्थात श्री कृष्ण यहाँ किसी भी क्षण आते होंगे। और फिर तभी राधा पूछती हैं किंतु दाऊ कहाँ हैं, और तभी दाऊ कहते हैं देवी श्री राधा वो लोक में वास्तविक रूप में होते हैं। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं श्री कृष्ण कब आएंगे यहाँ, हम सब उनके स्वागत के लिए इतने आतुर हो रहे हैं। और फिर राधा कहती हैं मुझे भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण यहाँ पर अभी क्यों नहीं आए हैं, आप सब तनिक यहीं ठहरिए मैं कुछ ही क्षण में आती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा नेत्र बंद करती हैं और कहती हैं कृष्ण अब जब तुम मेरे समक्ष आओगे तभी मैं अपने नेत्र खोलूंगी। और फिर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं देवी राधा के समक्ष, और फिर श्री कृष्ण को देखती हैं देवी राधा अपने नेत्र खोल के, और फिर श्री कृष्ण राधा की लट को सुलझाते हैं। और फिर राधा कहती हैं आगे कृष्ण रास आरंभ करें, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है राधे। और फिर राधा कहती हैं अब कौन सा कार्य शेष है, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रेम की धारा जब तुम गोलोक से चली गई थी तो इस धारा ने अपना बहाव बदल लिया था, जब राधा कृष्ण पुनः गोलोक में लौट आए हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि पुनः इस धारा को अपना बहाव बदल लेना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा उस धारा को स्पर्श करती हैं और धारा का बहाव बदल जाता है, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अब ये प्रेम की धारा ऐसे ही बहेगी, जिस भी व्यक्ति के मन में प्रेम होगा तो इसे प्रेम से देखेगा, उसे ये प्रेम की निर्मल धारा ही दिखेगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं श्री कृष्ण से अब चले रास के लिए, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा रास कर रहे होते हैं गोलोक में,
गोलोक में गोपियाँ पुष्प चढ़ा रहे होते हैं राधा कृष्ण के ऊपर और आरती उतारते हैं राधा कृष्ण की। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के समक्ष झूले पे बैठी होती हैं साथ में और कहती हैं 100 वर्ष कितना सुंदर समय व्यतीत किया है हमने साथ में पृथ्वी लोक पर। हमने अपने हृदय की गहराई से प्रेम का आभास किया है और उसी गहराई और सच्चाई से प्रेम बांटा है और अब हम लोग पुनः यहाँ गोलोक लौट आए हैं। हमारे यहाँ आगमन से एक कथा का अंत हुआ है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं राधे, जिस कथा का सारांश प्रेम होता है उस कथा का कभी अंत नहीं होता। इसे तुम अंत कह रही हो वो तो केवल मात्र एक नया आरंभ है राधे। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, अभी तो हमें कई बार जन्म लेना है, हमारे प्रेम के अध्यायों को पुनः जीना है। और तभी राधा कृष्ण देखते हैं श्री धामा को और देव ऋषि नारद मुनि को। श्री धामा कह रहे होते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, एक लीला का अंत होगा तभी तो दूसरी लीला आरंभ होगी। और श्री कृष्ण के साथ राधा भी होती हैं एक झूले पर और दोनों अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और एक साथ होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, समय के समक्ष नतमस्तक होता है, मैं भी आज इसी समय के समक्ष नतमस्तक होकर आपसे मैं विदा लेता हूँ। किंतु स्मरण रखिए, जब जब धर्म का लोभ होगा, जब जब साधुओं को कष्ट होगा, मैं आऊंगा। किंतु ये धर्म है क्या? धर्म वो है जो कभी डिगे नहीं, जिस समय के समक्ष ये समस्त संसार नतमस्तक होता है। ये धर्म उससे परे है और मेरे लिए तो केवल एक ही धर्म है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर मित्रों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।